अंबिकापुर शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और बेहतरीन पुलिसिंग के लिए शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे सरगुजा पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। इसका लोकार्पण आज इंटीग्रेटेड पुलिस सीसीटीवी कंट्रोल रूम में किया गया है। जिला प्रशासन सरगुजा और पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में लगभग 71 लाख रुपए की लागत से बनाए गए मॉडर्न सीसीटीवी कंट्रोल रूम का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने वर्चुअल रूप से किया। वही कार्यक्रम में उपस्थित सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल, पुलिस अधीक्षक सरगुजा भावना गुप्ता, सरगुजा कलेक्टर कुमार कुंदन कुमार और पुलिस विभाग के आला अधिकारी गणमान्य शहर के नागरिक उपस्थित रहे। कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें के शहर के विभिन्न जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटीग्रेट करके यहाँ कंट्रोल रूम में उनकी फीड लाइव फीड देखी जा सकती है। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि शहर के विभिन्न जगहों पर अगर कोई अपराध घटित होने की सूचना मिलती है या अपराध घटित होने की संभावना की सूचना मिलती है तो उसको इस फीड के माध्यम से डायरेक्टली देखा जा सकेगा और साथ ही 24 घंटे नज़र भी रखी जा सकेगी इन कैमरे के माध्यम से। नगर निगम क्षेत्र में एक आईपी बेस्ड कैमरा, एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम कम कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन हुआ है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस मामले से, सिक्योरिटी के मामले से, सेफ्टी के मामले से, हर मामले में इसको माना जा सकता है क्योंकि टोटल करीब 100 ऐसे कैमरे हैं जो कि मेजर चेक पॉइंट्स पे दिन रात जो है वो सुरक्षा देंगे और क्राइम को प्रिवेंट करने में, हुल्लड़बाजी को कंट्रोल करने में और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कभी कभी उत्पन्न होती है तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको इस बात का डर रहेगा कि कोई ना कोई आई हमको देख रहा है।